Hey guys, welcome back to Movie Narco, और आज हम लेकर आए हैं स्कैम 1992 नहीं बल्कि स्कैम 2003 द टेल की स्टोरी। तो उम्मीद है आप सभी ने पुराने स्कैम के एपिसोड्स तो देख ही रखे होंगे। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे हर्षद मेहता ने करीब 500 करोड़ का स्टॉक मार्केट में स्कैम किया था, मगर अब हमें पता चलेगा तेलगी स्कैम के बारे में जो 30,000 करोड़ का स्कैम था। तो तेलगी स्कैम को अंजाम देने वाला मुख्य किरदार था ऑफकोर्स अब्दुल करीम तेलगी। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ ऑफिसर्स तेलगी को ट्रूथ सीरम देने के बाद उससे सवाल जवाब करते हैं। उससे पूछा जाता है कि उसके साथ कौन कौन से पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, लेकिन तेलगी उनको कुछ नहीं बताता। बीइंग अ ट्रू बिजनेसमैन, उसके मुंह से सिर्फ एक परम सत्य निकलता है कि पॉलिटिशियंस आर द बैकबोन ऑफ बिजनेस। यही तो होती है सच्चे बिजनेसमैन की पहचान, भले ही साथ के पार्टनर्स याद आए या ना, लेकिन धंधे का उसूल नींद में भी बराबर याद रहता है। अब हम तेलगी के पास्ट को देखते हैं। कई साल पहले वो कर्नाटका के एक छोटे से शहर में रेल की बोगियों के अंदर फल बेचा करता था। दोस्तों, फल तो सभी बेचते हैं, लेकिन तेलगी का तो अंदाज ही कुछ अलग था। अब उसकी सेल के इसी अंदाज से वहीं ट्रेन में बैठे शौकत भाई एकदम से उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उससे जाकर पूछते हैं कि अरे भाई, तुम हो कौन? तेलगी ऑफकोर्स कहता है कि सर, आप देख ही तो रहे हैं, मैं तो फल बेचता हूँ। अब भाई, बात तो सही है, लेकिन तेलगी जैसा सेल्समैन एरे गेरी बोगियों में फल बेचे, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। अब्दुल ने आगे बताता है कि सर, वैसे तो मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, जिस पेपर में आप फल खा रहे हैं ना, यही मेरी डिग्री की फोटोकॉपी है, लेकिन कागज की आजकल वैल्यू ही क्या है। अब यार, बात तो सही है कि कागज की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन शायद अभी तेलगी को भी ये अनुमान नहीं होगा कि किसी स्पेसिफिक चीज की फोटोकॉपी कर करके वो इतने पैसे छापने वाला है कि वो अभी खुद भी अनुमान नहीं लगा सकता। शौकत भाई अब्दुल और उसकी सेल से काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई, तू बॉम्बे आ, मैं तुझे काम दिलाता हूँ, और वो उसे उसका एड्रेस उसी कागज पर लिख कर दे देते हैं। घर लौटते वक्त अब्दुल की चप्पल टूट जाती है। टूटी हुई चप्पल लेकर वो आगे बढ़ता है, जहां वो देखता है कि उसके पड़ोस में शादी है और आंटी जी बची हुई झूठी बिरयानी एक कटोरे में स्टोर करके रख रही है। यहाँ अब्दुल के चाचा उससे कहते हैं कि बेटा, अपनी अम्मी का ध्यान रखो, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अब्दुल का यही कहना था कि ये लोग जब किसी अच्छी जगह रहेंगे ना, तो उसकी अम्मी की तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। इस पर वो बोलता है कि लॉटरी नहीं, मेरी तो नौकरी लगी है, वो भी बंबई शहर में। सारी कहानियां जानने के बाद सभी लोग उससे यही पूछते हैं कि ऐसे ही किसी एरे गेरे आदमी के कहने पर तू वहां क्यों ही जा रहा है? वो अपने घर में अकेला कमाने वाला आदमी था और ज्यादा कमाई भी नहीं हो पा रही थी, तो जाहिर सी बात है, कोई भी तेलगी को बंबई क्यों जाने देगा। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि पड़ोस वाली आंटी वही झूठी बची बिरयानी लोगों को ला कर देती हैं और जिसे सभी लोग मजे से खाने भी लगते हैं। अब यार, ये क्या बात हुई? अब्दुल को यही चीज बहुत जोर से लग जाती है। कब तक ये लोग इस पुराने घर में रहेंगे, जहां ट्रेन के आने पर पूरा घर हिलने लगता था, और ऐसी जगह जहां पर इनकी कोई इज्जत ही नहीं थी, और इसीलिए वो अपनी टूटी चप्पल को खुद ही जोड़कर बॉम्बे के लिए निकल जाता है अपनी तकदीर बदलने। अब वो बंबई आ तो गया था, वो भी एक अनजान बंदे की बात मानकर, लेकिन उसे पता था कि ये बंबई है, यहाँ सभी के सपने जरूर पूरे होते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना बंबई को सपनों का शहर बोला जाता है। अब यहाँ आकर वो शौकत भाई से मिलता है। शौकत भाई उसे अपना गेस्ट हाउस दिखाते, क्योंकि उनका गेस्ट हाउस का ही बिजनेस था। शौकत अंकल नेचर से तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हमेशा उनका गेस्ट हाउस खाली रहता था, तो तरकीब लगाकर अब्दुल मार्केटिंग में उतरता है और ऑटो टैक्सी वालों को गेस्ट हाउस का कार्ड देता है। अगर टैक्सी वाला गेस्ट लेकर आएगा तो 5 रुपए उसको कमीशन मिलेगा, और इस तरह वो चाचा का धंधा फुल स्पीड में दौड़ा देता है। अब यहीं अब्दुल की आंखें चाचा की बेटी नफीसा से चार हो जाती हैं, और यहीं शादी वगैरह कर वो सेटल हो जाता है। कुछ सालों बाद उसको एक प्यारी सी बेटी भी होती है, लेकिन उसकी भूख अभी भी कम नहीं हुई थी, तो वो 7 साल गल्फ में रगड़ कर काम करता है और फिर 1991 में वापस बॉम्बे आ जाता है। बॉम्बे वापस आकर अब उसने पैसे तो कमा ही लिए थे, लेकिन थोड़ा बहुत गलत काम करने का मन तो सभी का करता है ना, तो अब्दुल अपने भाई के साथ एक क्लाइंट को देखता है। इस बंदे ने महज 5वीं पास कर रखी थी, लेकिन तेलगी इसका स्कूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कॉलेज डिग्री वगैरह सभी का सर्टिफिकेट बनवा देता है और उसे 2-3 इंटरव्यू के क्वेश्चन भी आराम से रटवा देता है। वो उसे आंसर्स रटवा ही रहा था कि इतने में डोमले नाम का पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है
और होना क्या था, अब्दुल को जेल जाना पड़ता है। यहाँ तेलगी पे ये केस होता है कि शायद वो फर्जी पासपोर्ट बनवा रहा था और इसीलिए उसे जेल में भी डाल दिया जाता है, वो भी लंबे समय के लिए। यहाँ पे उसे कौशल मिलता है, कौशल तो इसी फील्ड में था तो वो उसे थोड़ी सी सांत्वना देता है कि भाई तुम जल्दी ही छूट जाओगे। अब्दुल पूरे टाइम यही कह रहा था कि वो तो बस गरीबों की मदद कर रहा था ताकि कोई बंदा बाहर जाकर दो पैसे कमा सके, और वो सिर्फ फर्जी डिग्री बनवाता है, फर्जी पासपोर्ट बनाने का काम वो नहीं करता और ना ही उसे वो काम आता है। लेकिन पुलिस की तरफ से उसे मस्त घुसंड खाने को मिलते हैं क्योंकि पुलिस वाले इतनी आसानी से उसका विश्वास थोड़ी करेंगे। शाम को इंटेरोगेशन होती है जहां पे वो वही बोलता है कि साहब मैं तो बस गरीबों की मदद कर रहा था। कौशल उसे हल्का सा डिफेंड भी करता है लेकिन पुलिस वाला उसे उल्टा चमका देता है और मारता अलग। कौशल यहाँ उसे बताता है कि भाई मेरा तो एक लॉयर दोस्त है गणेश कामले नाम से, वो सब देख लेगा और सब कुछ ठीक मस्त काम करके देगा। यहाँ कौशल को पता चलता है कि अब्दुल पहले गल्फ में ही जॉब किया करता था, तो वो उससे पूछता है कि भाई तू तो मस्त जॉब किया करता था तो इधर क्यों ही आ गया तू। अब्दुल उसे बताता है कि वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करता था और अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए ही वो यहाँ पर आ गया है। अगले दिन शौकत भाई लॉयर के साथ जमानत के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं और उसे छुड़वा कर वापस ले जाते हैं। घर पर वो उससे पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों ही कर रहे थे और अगर करना भी है तो करो, लेकिन अब जो भी करना वो कायदे में रहकर काम करना। लेकिन तेलगी तब तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक पुलिस रिकॉर्ड से उसका नाम साफ ना हो जाए, और ये काम कोई ऐरा गहरा वकील तो नहीं कर सकता था, ये काम सिर्फ गणेश ही कर सकता था। तेलगी अब जाकर गणेश को पटाने की कोशिश करता है। गणेश कहता है कि भाई जो तुम्हारा पुलिस ऑफिसर है डोमले, वो तो बहुत पैसे खाता है, उसे करीब 12 से 15,000 खिलाने तो होंगे अगर पुलिस रिकॉर्ड से अपना नाम साफ कराना है तो। यहाँ अब्दुल बहुत ही प्यार से कहता है कि मेरे तो सारे अकाउंट फ्रीज हैं, तो आप ही दे दो ना मेरी तरफ से पैसे और मुझे अपने केस में 50% कमीशन भी दो। अब गणेश उससे पूछता है कि क्या तुमने भांग का रखी है, एक तो तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो और ऊपर से ये भी कह रहे हो कि मैं तुम्हें कमीशन दूं। अरे मैं क्यों दूं तुम्हें कमीशन। यहाँ तेलगी उसे समझाता है कि देखो भाई मैंने इस फील्ड में भले ही पैसा ना बनाया हो लेकिन मैंने इस धंधे में नेटवर्क बहुत बना लिया है, मैं तुम्हें कस्टमर ला के दूंगा क्योंकि तुम ये इम्पॉसिबल केस करके मुझे दे रहे हो, और फिर देखो तुम्हारी क्या वाहवाही होती है, क्लाइंट्स खुद आकर तुम्हारे पास आएंगे। और हम यहाँ से जान जाते हैं कि अब्दुल की कन्विंसिंग पावर के आगे तो अच्छे अच्छे भी फेल। सोचो उसने एक लॉयर को तक मना लिया 50% डिस्काउंट देने के लिए। कुछ समय बाद कौशल तेलगी से यहाँ मिलने आता है, उसे गणेश से अब्दुल के केस के बारे में पता चल गया था। उससे पूछता है कि भाई तूने आखिर गणेश को मनाया कैसे, तू क्या पहले इंश्योरेंस वगैरह बेचा करता था। लेकिन हम सबको पता है कि तेलगी पहले इंश्योरेंस नहीं बल्कि फल बेचा करता था। और यही कौशल उसे एक ऑफर देता है कि वो दोनों मिलकर पार्टनरशिप में आएंगे और साथ में काम करेंगे। कौशल यहाँ तेलगी से उसके सपने के बारे में पूछता है। अब तेलगी का तो बस यही सपना था कि वो शौकत चाचा के गेस्ट हाउस को बढ़ाए, उनके लिए एक दो और गेस्ट हाउस बनाए, बस यही। लेकिन ये सपने उसके नहीं थे, ये सपने तो शौकत चाचा के थे। कौशल उसे समझाता है कि तुझे तेरे सपने मिलेंगे लेकिन शायद अभी के लिए तुझे पता नहीं है कि तेरे सपने किस तरह के हैं, और सपनों को रियलाइज करने के लिए तुझे कुछ डेयरिंग तो करना ही होगा। और इसी चीज के साथ अब्दुल कौशल के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। कौशल उसे एक भंगार घर में ले जाता है और उसे बताता है कि यही मेरी दुकान है। भंगार घर किसी की दुकान कैसे हो सकता है, तो कौशल उसे यहाँ रद्दी के स्टॉक्स दिखाता है और बोलता है कि ये जिन भी कंपनीज के स्टॉक्स या शेयर्स है ना, हमारी इन कंपनी के क्लार्क लोगों से सेटिंग है। अब क्लार्क बोले तो क्लर्क लोग ही, लेकिन कौशल एक गुजराती है तो वो क्लर्क को क्लार्क बोलता है। अब यहाँ बात आती है मटेरियल शेयर को समझने की। तो दोस्तों अभी तो स्टॉक ट्रांसफर पूरा पूरा डिजिटल हो गया है, लेकिन जब डिजिटल जमाना नहीं था तो इससे पहले स्टॉक का जो ट्रांसफर है वो स्टॉक सर्टिफिकेट से हुआ करता था। दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपके पास रिलायंस के 2 स्टॉक हैं, तो इन 2 स्टॉक के लिए कंपनी आपको एक शेयर सर्टिफिकेट देगी। अब मान लीजिए कि आप इस रिलायंस के सर्टिफिकेट को किसी दूसरे को बेचना चाहते हैं,
तो इस सर्टिफिकेट को जब आप बेचेंगे तो जो बंदा आपसे ये सर्टिफिकेट खरीदेगा वो आपको पैसे देगा और आप इस सर्टिफिकेट पे एक पर्टिकुलर स्टैंप लगाकर उस बंदे को ये स्टॉक दे दोगे। लेकिन ये जो शेयर ट्रांसफर है वो एक सर्टिफिकेट पे सिर्फ 5 बार ही हो सकता है और हर 5 बार पे स्टॉक सर्टिफिकेट पे एक पर्टिकुलर सरकार के द्वारा दी गई स्टैंप लगती है और उस स्टैंप के ऊपर ठप्पा लगता है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर स्टॉक सर्टिफिकेट से 5 बार ट्रांसफर पूरा हो चुका होता है तो ये सर्टिफिकेट कंपनी के वेयर हाउस में रद्दी बन के पड़ा रहता है। अब कौशल की जिन क्लर्क लोगों से सेटिंग है वो क्लर्क लोग उसे पैसे के बदले कुछ ये रद्दी के जो स्टॉक सर्टिफिकेट हैं वो देते हैं। कौशल सबसे पहले तो केमिकल का यूज करके एडहेसिव यानी जो फेबिकॉल है जैसे स्टैंप को स्टैंप पेपर पे या स्टॉक सर्टिफिकेट पे चिपकाया जाता है उसको निकालता है। जब एडहेसिव निकल जाता है तब ये लोग एसीटोन से स्टैंप के ऊपर जो भी इंक लगी है उसे आराम से धो डालते हैं। इसके बाद ये इन सभी नई दिखने वाली स्टैंप्स को BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट में आधे दाम में बेच डालते हैं। अब तेलगी और कौशल दोनों केमिकल वगैरह का उपयोग करके मस्त काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ जैसे ही ये लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में स्टैंप बेचने जाते हैं तो इनसे जो खरीदारी करने वाला बाबू है वो यहाँ हर्षद मेहता का भी मेंशन करता है क्योंकि ये 1991 है। अभी हर्षद मेहता फुल स्विंग में आगे बढ़ता जा रहा था। काफी मेहनत के बाद इन लोगों ने काफी सारे स्टैंप्स इकट्ठा कर तो लिए थे लेकिन इनको मार्जिन तो इन पर काफी कम मिलता है। कौशल यहाँ बताता है कि ये सब कलकत्ता गैंग वाले कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत से नए स्टैंप जिनमें अभी तक इंक भी नहीं लगी हुई थी वो सबसे पहले ओल्ड कस्टम हाउस जाते हैं जहाँ के बाबू लोग से सेटिंग जमा कर कलकत्ता गैंग वाले डायरेक्ट नए स्टैंप उठाते हैं और वो भी आधे दाम में उनको बेच डालते हैं। कलकत्ता गैंग वालों की फेबिकॉल निकालने की और इंक निकालने की मेहनत और पैसे दोनों बच जाते हैं। और यहाँ कलकत्ता गैंग की ट्रिक समझने के लिए ये लोग भी चुपके से ओल्ड कस्टम हाउस पहुंच जाते हैं ये देखने की भाई यहाँ चल क्या रहा है। तो कलकत्ता गैंग वाले हफ्ते में एक दिन टिफिन बॉक्स वाले बनकर यहाँ आते हैं, यहाँ पे मतलब ओल्ड कस्टम हाउस में, जहाँ ये लोग टिफिन में सभी भूखे बाबू लोगों को पहले तो पैसे देते हैं और बदले में इसी टिफिन में स्टॉक के स्टैंप भी ले जाते हैं क्योंकि सभी स्टैंप वहीं पे तो आते हैं। तेलगी और कौशल दोनों समझ जाते हैं कि इन्हें भी एक भूखे बाबू को जरूर पकड़ना होगा। रात में ये लोग एक बंदा जिसका नाम बिट्टल भाऊ है उसको पकड़ते हैं जो कि बेचारा कलकत्ता गैंग से हाथ नहीं मिला पाया था और ये दोनों उसे बिना इंक की स्टैंप के 20% ऑफर करते हैं और अगले दिन ऑफिस के पास वाले पार्क में बुलाते हैं। अगले दिन विट्टल भाऊ बहुत सारे सामान के साथ यहाँ पे पार्क में आते हैं लेकिन ये लोग देखते हैं कि ये तो वही पुराने इंक वाले स्टैंप हैं। अब भाई इंक वाले स्टैंप लेने होते तो ये लोग कस्टम हाउस क्यों ही आते। तभी यहाँ एकदम से कलकत्ता गैंग वाले आ जाते हैं और इन सभी को पकड़ लेते हैं और तीनों को बहुत मारते हैं। पिटते हुए अब्दुल देखता है कि कलकत्ता गैंग वाले विट्टल भाऊ के कुछ सामान में से कुछ स्टैंप पेपर निकाल रहे हैं। कुछ समय बाद शौकत भाई अपनी वसीयत लिखवा देते हैं जिसमें वो अपना गेस्ट हाउस अपनी नातिन जिया के नाम करवा देते हैं। वसीयत एक स्टैंप पेपर पर साइन होती है और यहाँ से अब्दुल को रियलाइज होता है कि कलकत्ता गैंग वाले आखिर इन लोगों को इतना पीट क्यों रहे थे। आखिर विट्टल बाऊ ने इन लोगों को ऐसा क्या सामान दिया जिससे कलकत्ता गैंग वालों का खून सर पर आ गया। और इसी बात की शिनाख्त करने वो विट्टल भाऊ के पास पहुंच जाता है। विट्टल बाऊ बेचारे बहुत पिटे हुए थे और हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। तेलगी बहुत ही प्यार से विट्टल बाऊ के पास जाता है, उनको थोड़े से फल फ्रूट देता है क्योंकि बेचारे हॉस्पिटल में जो थे, और उनसे स्टैंप पेपर के बारे में पूछता है और उनसे पूछता है कि विट्टल बाऊ आखिर आप ऐसी क्या चीज लाए थे जिसके लिए कलकत्ता गैंग वालों ने हमें इतना पीटा। तो यहाँ विट्टल भाऊ से समझाते हैं कि तुम लोग तो स्टैंप से इंक निकाला करते थे ना, लेकिन मैं उसका भी राजा तुम लोगों के पास एक वॉइड स्टैंप पेपर लाया था। वॉइड स्टैंप पेपर की कीमत स्टैंप से कई गुना ज्यादा होती है और वॉइड स्टैंप पेपर को पाना इतना भी आसान नहीं है, बहुत सारी सिक्योरिटी रहती है, लेकिन उसमें से भी मैं कुछ स्टैंप पेपर्स तुम लोगों के लिए निकाल लाया था। तुम लोग स्टैंप बेच के 2-3 हजार तो कमा लेते लेकिन मैं तुम्हारे लिए 26 वॉइड स्टैंप पेपर लाया था जिनकी कीमत 14,000 से भी ज्यादा थी।
तेल के यहाँ विट्ठल भाऊ से अब स्टैम्प पेपर के बारे में थोड़ा सा और पूछता है। अब फैक्ट्री वापस आकर वो कौशल को एक मस्त नया प्लान बताता है। तो यहाँ उसके प्लान के हिसाब से पूरे भारत में स्टैम्प पेपर से भारत सरकार करीब 30,000 करोड़ कमाती है और इन सभी स्टैम्प पेपर का कुल टोटल रेवेन्यू का 10% केवल महाराष्ट्र से आता है और इस 10% का भी 80-90% की खपत मात्र बॉम्बे में होती है। स्टैम्प पेपर की तो महिमा ही अलग है। किसी को अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम करनी हो, किसी को कोई भी सरकारी दस्तावेज देना हो, किसी को अपनी पत्नी को डिवोर्स देना हो या किसी को अपना नया घर बसाना हो, तो उसको इस चीज में स्टैम्प पेपर लगेगा ही लगेगा। तेल की कौशल को समझाता है कि ये जो 30,000 करोड़ का जो केक है, इसमें से हमें सिर्फ एक चम्मच केक खाना है और इस एक चम्मच की कीमत 70-80 करोड़ होगी। मगर ये 70-80 करोड़ ये लोग सरकार से कैसे दबाएंगे, ये लोगों को देखना होगा। और अब कौशल और तेलगी दोनों मास्टर प्लान को बनाने में लग जाते हैं और इसी के साथ साथ पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।